अब ये वो वक्त था कि जब राजेश खन्ना की नई नई हिट हुई थी, बात कर रहा हूँ 69 and 70 बिगनिंग, वो रोज आता था वहीं, इसलिए कि इन्होंने ब्रेक दिया था तो हमसे दोस्ती हो गई थी। तो एक दिन वो आया सलीम साहब के साथ, राजेश खन्ना ने कहा देखो भाई मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मजबूरी ये है कि मैं कार्टर रोड पे घर खरीद रहा हूँ, वो घर बहुत महंगा है, वो घर है 4.5 लाख का, और ये प्रोड्यूसर ने मुझे इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया है कि मैं वापस तो कर ही नहीं सकता हूँ, इसने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए और अगर मैं इस स्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री से निकल जाऊँगा। तो अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह ठीक कर दो कि काम चलाओ हो जाए। स्क्रिप्ट दे दी, मैंने पढ़ी, मैंने सलीम साहब से कहा कि क्या है, कल दो को कुछ करते हैं, शर्त हमारी एक, हीरो हीरेगा जो है, चार हाथी हम आपके बचा देंगे, इसके अलावा हम सब कुछ बदल देंगे, आपको ये मंजूर हो तो बोलिए। हम इसके स्क्रीन पे पैसे काम करते थे जो मजाक कर रहे हो, मतलब हंस हंस के हमारी फीस में पूरी हालत हो जाती। अब हाथी एंटर होता, हाथी करेगा वो ये सब करके, और वाह वाह ऐसे सीन में वो हमने उन्हें सुनाया, उन्हें पसंद आया, उन्होंने ले लिया। इस बार राजेश खन्ना ने हमें बहुत पैसा दिलाया, 10,000 रुपए, तो 5,000 सलीम साहब को, 5,000 मुझे, तो वी वर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। इस दरमियान यहाँ सीता और गीता शुरू हो गई, फिर हम साथ। फैक्ट ये है, मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, हम दोनों ने बैठ के किसी दिन फैसला नहीं किया था कि हम पार्टनर बने, इट हैपेंड ऑर्गेनिकली, एंड इट वॉज सो नेचुरल और कंपैटिबल कि कभी ख्याल भी नहीं आया कि कुछ अजीब सा काम हो रहा है। तो ये इस तरह से हुआ। सलीम साहब की एक स्टोरी लाइन थी जो धर्मेंद्र ऑलरेडी खरीद चुके थे, 9,000 रुपए दिए थे उन्होंने सलीम साहब, वो जंजीर थी, जंजीर। अच्छा, फिर हमने दोनों ने मिलके उसका स्क्रीन प्ले साथ में बनाया, और प्रकाश मेहरा, प्रकाश मेहरा रीजनेबली सक्सेसफुल डायरेक्टर थे, दिस वाज द फिल्म दैट ही वाज गोइंग टू प्रोड्यूस, और इस बार हमने बहुत बड़ी प्राइज ले ली थी, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग पहली दफा लेकर आए थे, और ये उस वक्त हमने अनप्रेसिडेंटेड प्राइस में बेची थी, 55,000, 55,000। उस टाइम स्टार्स तो ज्यादा लेते होंगे, लेकिन बट फिर भी फॉर राइटर्स दिस वाज लाइक, मतलब 1 लाख रुपए लेने वाला कोई राइटर थे, वो सब हजार में ही थे सब जी। तो अब हमारे पास एक डायरेक्टर है, एक प्रोडक्शन है, एक स्क्रिप्ट है, और हीरो नहीं है। Now in retrospect, I think about it, I can understand why. Because that was the time when Rajesh Khanna was God and music was the emperor. कभी कभी naivety जो होती है ना वो बड़े काम की चीज होती है। उस जमाने में हमने क्या स्क्रिप्ट बनाई कि जिसमें ना हीरो रोमांस करता है, ना गाना गाता है, ना कॉमेडी करता है, पहले सीन से आखिर सीन तक मुंह चिढ़ाए घूमता रहता, brooding actor. A brooding actor.